यूएस डेलीगेशन अराइव इन द इंडियन सिटी ऑफ धर्मशाला धर्मशाला दिस डेलीगेशन इज बाय पार्ट मीनिंग इट एज बोथ डेमोक्रेट एंड रिपब्लिक और फ्यूचर जियो पॉलिटिक्स का कैसे बदल रहा है क्योंकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जियो पोलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स खेल डाले हैं

कि चीन बस खाली हाथ बैठकर हाथ पीट रहा है भारत में अमेरिकी प्रतिनिधियों के आगमन के साथ ही चीन को बड़ी टेंशन हो रही है यह भी समझता है कि ऐसी ऑप्टिक्स क्रिएट करने चाहिए हमें विद द द सपोर्ट ऑफ यूएस मैंने आपको कई दफा हम बात कर चुके हैं कि कोई ऐसा खिते में मुल्क नहीं है कोई ऐसा खिते में मुल्क नहीं है जो इस पोजिशन में हो कि इंडिया को इतना चाइना को इतना ज्यादा टफ टाइम दे सके यह हमारा दुश्मन नहीं है जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से आप हिस्ट्री पढ़ लें जिन्होंने भी हमसाय मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो अखबार हुए हैं ठीक है इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है असल में हमारा दुश्मन है चाइना ठीक है इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया बिना मफाद के तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक तो पाकिस्तान ने ये कैसे संवे लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं सारे लेकिन आपको पता है कि फॉर्मर यूएस स्पीकर नैन्सी पलोसी वो भी वहाँ पहुंची हैं और आ, आ, और मज़े की बात ये है कि यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक तिब्बत बिल भी पास किया है नमस्कार दोस्तों जय हिंद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा से मिलने गए अमेरिकन सांसद को देख चीन आग बबूला हो गया भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि सभी जानते हैं कि चौदवे दलाई लामा धार्मिक व्यक्ति नहीं है वो धर्म की आड़ में चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं दलाई लामा को चीन विरोधी बताते हुए चीन अमेरिका को नसीहत दी है और कहा है की दलाई लामा से संपर्क करने से बचना चाहिए तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर अमेरिका चीन से की गई कमिटमेंट का सम्मान करे दुनिया को गलत संदेश मत दे चीन ने कहा है कि तिब्बत हमेशा से ही चीन का हिस्सा रहा है ये चीन का घरेलू मामला है इस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा चीन को कंट्रोल करने या दबाने के लिए तिब्बत को डिस्टेबल करने की कोशिश न करे ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा चीन की ये प्रतिक्रिया बुधवार को दलाई लामा और अमेरिका सांसदों की होने वाली मुलाकात से पहले आई है इस मुलाकात से पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा था कि हम दलाई लामा से मिलने और कई चीजों पर बात करने को लेकर उत्साहित हैं। इसके साथ ही अमेरिकन संसद द्वारा पारित बिल भी शामिल है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है इस बिल को अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को साइन करने के लिए भेज दिया गया है बस लॉ मेकर जो है उन्होंने तिब्बतन पार्लियामेंट का दौरा किया है तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल इन इंडिया जो की धर्मशाला के अंदर है आप को याद होगा कि धर्मशाला में आपने अक्सर सुना होगा क्रिकेट मैच जो है वो होता है ये बेसिकली इट्स इन हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये टेरिटरी नियर ये कश्मीर आपको पता है उसके बॉर्डर के करीब ही uh, आपको नज़र आएगी ये और ये जो यूएस लॉ मेकर्स हैं इनमें जो प्रमेरली लॉ मेकर्स हैं उनमें से दो को मैं पर्सनली जानता भी हूँ और मिला भी हूँ uh, एक यूएस लॉ मेकर हैं उनका नाम है एमी बेरा और दूसरे जो हैं वो ग्रिगोरी मीस ये हाउस फॉरन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन होते थे ये ऐसे लग रहा है कि इंडिया और चाइना की वो जो जिसे कहते हैं ना जो डिप्लोमेटिक जंग है वो तेज होती जा रही है हुआ ये है कि एक तरफ से तो जारी बात है कि चाइना ने रिएक्ट किया है आप देखिए ना इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अमेरिकन को ये स्पेस कोई और मुल्क प्रोवाइड नहीं कर सकता ये मुल्क स्पेस कोई और मुल्क प्रोवाइड नहीं कर सकता अब मैं उस पर तो बात करता हूँ कि जो एन एस ए जैक सिलवन का दौरा है जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से जो मीटिंग हुई है उस पर क्या फर्दर डिस्कशन क्या हुई है लेकिन आपको पता है कि फॉर्मर यू एस स्पीकर नैन्सी पलोसी वो भी वहाँ पहुंची है और मजे की बात यह है कि यूएस हाउस जो रिप्रजेंटेटिव है उसने एक तिब्बत बिल भी पास किया है So ये आप देखेंगे एक नई जंग जो है डिप्लोमेटिक शुरू होगी इसके साथ हम देखते हैं कि जो चाइनीज एम्बेसी है इंडिया के अंदर उन्होंने भी एक आ, आ, जिसे कहते हैं ना प्रेस स्टेटमेंट जारी की है जिसमें वो कहते हैं कि जो दलाई लामा है वो प्योर रिलीजियस फिगर नहीं है एक पॉलिटिकल एग्जाइल फिगर है जो कि एंटी चाइना सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है लेकिन उन्होंने मज़हब का सहारा लिया हुआ है ये चाइनीज एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है ये वो कमेंट कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम अमरीका को कहते हैं कि वो जो एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर है कि जो दलाई ग्रुप है उसकी उसको सपोर्ट ना करे चाइनीज ने भी करना शुरू कर दिया सो so, वो कह रहे हैं कि ये हमारे आप देखें ना बहुत सारी ये जो एग्जाइल में तिब्बत जो तिब्बत के हवाले से ही, जो पार्लियामेंट एग्जाइल में बनी हुई है अब लोग इसको देख के हैरान होते हैं कि भाई ये क्या है चाइनीज कहते हैं कि ये हमारे आप इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं और इंडिया इसमें जो है वो आप देखे ना इन वर्ल्ड इंडिया इज हेल्पिंग यू एस ऑन चाइनीज आर्म ट्विस्टिंग इंडिया बेसिकली हेल्प कर रहा है अब ये बाई पार्टिजन ग्रुप आया यूएस लॉ मेकर्स का जो कि फॉरन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन है माइकल मेकॉल उनकी सरबराही में और जो फॉर्मर हाउस स्पीकर रही हैं नैन्सी पलो, पलोसी ये धर्मशाला गए हैं और दलाई लामा से भी मिल रेंगे उस जो आपको पता यू एस कॉन्ग्रेस ने एक रिजॉल्व तिब्बत एक्ट भी पास किया है अच्छा अमेरिका के अंदर जिन लोगों को नहीं पता वहाँ पे आपको पता है डेकोटमी ऑफ पावर है पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेचर ये जो है सो so, वहाँ पे जो कांग्रेस है वो बड़ी पावरफुल है एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर जरूर मौजूद है लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो जिसे आप कांग्रेस बोलते हैं अब वो कह रहे हैं कि हम अच्छा एक तो वो लेजिस्लेशन करके आए हैं ठीक है जी अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उस बिल को साइन करने जा रहे हैं जो कि रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के नाम से है। बेसिकली uh, आपको पता है कि अब ये चीज़ें जो हैं अब इंडिया क्यों अमेरिका की सपोर्ट कर रहा है इस सिलसिले में अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो इंडियन सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझते कश्मीर के अंदर दिस इज़ व्हाट द इंडिया ये कहता है फिर चाइनीज जो है वो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं उनके हवाले से हमारे उनकी सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझते सो so, चाइना की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है इंडिया और अमेरिका मिलकर ठीक है जी और इस सिलसिले में अमेरिकी कांग्रेस जो है वो इंडिया का दौरा कर रही है असल में एक तो इंडिया के साथ बायलैटरल ताल्लुकात इस तरह के हैं कि उनको पता है इन चीज़ों का कि ये हमें सिर्फ इंडिया ही हेल्प कर सकता है और हमें कोई मुल्क नहीं हेल्प कर सकता एंड देन धर्मशाला की वैल्यू बढ़ गई उस इलाके की वैल्यू बढ़ गई दलाई लामा की वैल्यू बढ़ गई तिब्बत की वैल्यू बढ़ गई ठीक है ये एक तिब्बतन पार्लियामेंट है इन एग्जाइल वहाँ पे जाना जाके मिलना लोगों को बात करना अब नैन्सी पलोसी जो है वो तिब्बतन पार्लियामेंट को एड्रेस कर रही है तो ये एक बेसिकली ट्रेंड दिया जा रहा है ठीक है ना जी इतना ज़्यादा चाइना का ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही दे सकता है और इंडिया को इस चीज़ का समझ आ गई है इंडिया को इस चीज़ का पता चल चुका हुआ है कि हमें ये हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए हमें कुछ वो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल देखने नहीं चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हमें वो करना चाहिए जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में सो ये चीज़ आके हमें पता चलती है कि एक चैलेंजिंग एक एनवायरमेंट है